अल्टीमेट खोखो सीजन टू आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है। ओडिशा जगन्नाथ और उनके सामने मुंबई खिलाड़ी। असली घमासान यहाँ हो रहा है प्रभु। अगर आज ओडिशा जगन्नाथ जीत गए तो 8 पॉइंट्स के साथ फिलहाल के लिए नंबर एक पे आ जाएंगे। मुंबई खिलाड़ी अगर जीते, हारे, मैच टाई रहा तो जहां है वहीं रहेंगे। आ जाइए अगर आप भुवनेश्वर में हैं, उड़ीसा में हैं, कटक में हैं, कहीं भी हैं, जल्दी आइए। सुजेश एक्शन में शुरुआती क्षणों से अटैक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। धावा बोलते हैं ऐसा कि ओपोनेंट के ऊपर दबाव आए, लेकिन विशेष निगाहें अनिकेत पोटे पे भी रहती है क्योंकि जब जब वो एक्शन में आते हैं आमतौर पर कड़े एक्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर अटैक करते हैं। बाई तरफ देखिए अटैकिंग सेवन, कौन से सात खिलाड़ी इस समय मैट पर हैं आपके वो तस्वीर बता देते हैं। स्काई डाइव लगी है और बिल्कुल पॉइंट मिला है। जितना आप इनसे दूर जाएंगे उतना आउट होने के आसार ज्यादा हैं। ये देखिए बैठे हुए अटैकर के बीच में से दिशा अपनी बनाइए। फंस गए थे, थक गए थे, तीसरा खिलाड़ी फाइनली आउट। पावर प्ले, दूसरे बैच का स्वागत पावर प्ले के साथ, यानी कि डबल ट्रबल। दो वजीर जो अपनी दिशा बदल के खेल की दिशा बदलेंगे। यहां तो सुजेश ने अच्छी दौड़ लगाई है, अनिकेत पोटे को जाके खो दिया है। पोल डाइव आई है, दो पॉइंट लाई, कमाल कर दिया अनिकेत पोटे ने। पावर प्ले को बुनाने की कोशिश, लेकिन रेफरल की मांग कितनी। देखिए एक कदम लिया अनिकेत ने, फिर एक्सेलरेट किया। ओ जर्सी हिल गई, निखिल को ये कैसे पता नहीं चला। कोच थोड़ा सा हड़काएंगे निखिल को कि इस टच को आपने कैसे नहीं पहचाना। ओ अब आउट किया गया, दीपेश मोरे बाहर। उन्होंने रिव्यू मांगा लेकिन रिव्यू आप खो चुके हैं। समय जरूर दिया गया रेफरी से कहा, लेकिन वो फैसला जरूर आया अटैकिंग टीम के पक्ष में। पोल का इस्तेमाल करके अभी भी अपने आप को मैच पे पाएंगे दिलीप खांडवी। स्पेक्टेटर्स का सपोर्ट, टेक्निकल स्टाफ जो है वो अपनी पहली निगाह बना के रखता है। यहाँ बचना मुश्किल होगा। सामने शुभाशीष थे जो कि वजीर है, दिशा बदल सकते हैं, दशा बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी ओडिशा जगन्नाथ के इस डिफेंडिंग बैच ने सुनील अच्छा कार्य किया है। और वाइसैक एस पहली बार दिखे हैं इस सीजन में, पिछले सीजन लगातार खेले थे। शुभाशीष इस बार जर्सी खींच ली, इस बार तो आपको टच देना पड़ेगा। तो 14 पॉइंट मुंबई खिलाड़ी के पक्ष में। दो टच और कर लीजिए तो ये आपके पक्ष वाला टर्न माना जा सकता है। 17 सेकंड बाकी हैं। अविनाश ओमकार बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। ड्रीम रन तो आप नहीं कर पाएंगे, पॉइंट कमा नहीं पाएंगे, लेकिन मुंबई खिलाड़ी को और पॉइंट लेने से वंचित कर दिया तो ओजे खुद को डिफेंस का ओजी जरूर कहलवा सकते हैं। ये लो जी साबित कर दिया अपने आप को। समय समाप्त हो चुका है, सिर्फ 14 पॉइंट निकाले मुंबई खिलाड़ी इसकी टीम ने, का मतलब मैं 7 शिकार किए। अच्छा कार्य किया है डिफेंडर्स ने। और यही एक बड़ी टीम की खासियत होती है, आपको शुरुआत मुकाबले में अच्छी मिल गई है तो आप मुकाबले की पकड़ अपने से दूर ना जाने दे। पावर प्ले के साथ शुरुआत की, दो वजीर डबल ट्रबल, इससे आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं। ओडिशा जगन्नाथ की टीम के खिलाफ दो खिलाड़ी एक जगह आए थे, लेकिन बेहतरीन डॉज। सागर पोद्दार अपनी कला को कलाकृति के में प्रस्तुत कर रहे थे। यहां स्काई डाइव आएगी, महेश शिंदे को बाहर की राह दिखाएगी। बैक टू बैक एक के साथ एक फ्री लीजिए, सेल है। तो 1.5 मिनट में कोई शिकार नहीं, 2 मिनट में 2 हो गए। शानदार डिफेंडर है, अभी भी सक्रिय हैं। क्या ड्रीम रन पूरा कर सकते हैं ऋषिकेश? कुछ ही सेकंड और बाकी हैं। 3-2 ओ टच हुआ, उन्होंने रिव्यू मांगा। 2 सेकंड का अंतर रहेगा ड्रीम रन में और एक पोल से शुरू करेंगे वो। साथ में आधे मिनट का थोड़ा आपको ब्रीदर मिल गया। अगला ड्रीम रन शायद ना आए, 3.5 मिनट वाला शायद ना आए, लेकिन पहला ड्रीम रन ऋषिकेश डिजर्व करते हैं। शॉट खोल दिए जा रहे हैं, इस बार पकड़े जाएंगे। 10 सेकंड और बचे थे दूसरे ड्रीम रन के लिए, लेकिन क्योंकि इनकी बॉडी की एनर्जी पहले ही सैप हो चुकी थी, लीड अगर मिलेगी
तो मैक्स कितने 3 शिकार कर लेंगे, 1 पॉइंट की लीड, 3 पॉइंट की लीड, और वो बहुत ही मामूली सी लीड कही जाएगी। मुंबई खिलाड़ी ने डिफेंस के बूते कमाल किया है। दीपक साहू ने एक और शिकार किया है भाई, आपकी तारीफ भर भर के है। मनीषा जाधव ने तो अपनी टीम की तरफ से ये कह भी सकती है, सुनी हर सक्सेसफुल अटैक के पीछे दीपक साहू का हाथ होता है, पर मुंबई खिलाड़ी की डिफेंस की तो भूरी भूरी प्रशंसा है, और शायद इसीलिए कहा जाता है वक्त वक्त की बात है, कभी आपके तो कभी हमारे साथ है, और इस बार मुंबई खिलाड़ी के साथ वक्त लेता हुआ नजर आया है। हालांकि इस मैच का पहला खिलाड़ी बाहर गया है वो रॉकीसन सिंह है, जो कि अटैकर के तौर पे जाने जाते हैं। तो दो महत्वपूर्ण डिफेंडर अभी भी मैच पे है, एक पी शिवा रेड्डी, लेकिन समय की समाप्ति हो चुकी है, बराबरी का ये मुकाबला। तराजू पे यदि तोलेंगे तो एक रन थोड़ा सा जरूर मुंबई खिलाड़ी के पक्ष में, क्योंकि 15-14 की ये स्कोर लाइन, लेकिन ओडिशा जगरनट्स अपने प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं होंगे। और कितना प्यारा मैच चल रहा है वो हम देख रहे हैं, मुंबई खिलाड़ी लीड में है। दीपक साहू का इस बैच में आना बतौर वजीर, अभी तक उन्होंने पॉइंट कमाए थे और पहले ही बैच में आ गए, लेकिन चलिए क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी बचती नहीं है, पहला शिकार उन्हीं के रूप में हुआ है। अटैक के तौर पे देखा जाए तो मुंबई की टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उस तरीके का अटैक अब तक दिखा नहीं है। अनिकेत पोते को खो मिला, क्रॉस लेन पे सीधे चलते रहे, स्काई डाइव की कोशिश भी की गई है, लेकिन दिशा के नियम के तहत पहले कंधे शायद दूसरी तरफ मोड़ लिए थे पोते साहब ने, और उनको अंक नहीं मिलेंगे उसके। गजानन शेंगल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन का फाउल मांगा गया और मिल गया। बैच टाइम देखिए 3.5 मिनट, यानी ड्रीम रन आ सकता है, मनोज पाटिल ला सकते हैं। 10 सेकंड का समय और मैच पे बिताना है, लेकिन अनिकेत पोते सामने आए थे और छका दिया, बेहतरीन डॉज दिया मनोज पाटिल, सडन एबीएस ब्रेक का इस्तेमाल करके वही थम से गए, रुक से गए, ड्रीम रन अपनी टीम के लिए लगाया, एक और महत्वपूर्ण अंक पाया। मुंबई खिलाड़ी इसका जो अटैक है वो पूरी तरीके से खस्ता, यहाँ पॉइंट मिलेगा, पोल डाइव आई है, थक चुके थे, और इस साइन का मतलब हम और आप सभी जानते हैं, पावर प्ले यानी कि डबल ट्रबल, एक की बनिस्पत दो वजीर अब आपको नजर आएंगे। सेंट्रल लेन के इतना पास यदि बतौर डिफेंडर आप रहेंगे तो अटैकर्स को इतने ज्यादा मौके नहीं देंगे, ये निकेट होते हैं, ये स्काई डाइव है, ये दो अंक है, ट्रैप हो गए इस बार बिल्कुल, अनिकेत पोते के सामने विशाल ट्रैप हो गए, आखिरी डिफेंडर बाकी है, स्काई डाइव लगाई थी अनिकेत पोते ने, आखिरी डिफेंडर है रोहन शिंगाड़े, और ये स्पेशलिस्ट डिफेंडर है, अकेला डिफेंडर क्या करेगा, ये बैठे हुए अटैकर्स के बीच में से जाने की ट्राई करेगा, पोल डाइव बेहतरीन लगी, ओजे के पास है, एक इनिंग्स में आपको एक एक रेफरल मिलता है, एक एक अनसक्सेसफुल रेफरल, 12 पॉइंट की लीड, तीनों डिफेंडर सक्रिय, आखिरी 10 सेकंड, तो क्या 14 का टारगेट मिलेगा ओजे को, क्या वो बढ़ा के 16 हो सकता है। मुंबई खिलाड़ी खुश नहीं होंगे अपनी अटैकिंग से, क्योंकि इस पारी में आप सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट कमा पाए हैं, और 12 की ही लीड है, 14 है या 13 का मान लीजिए वो टारगेट है, और उससे पहले डिफेंडर रिव्यू टच एंड गो वाला मामला है, टच का, ओजे वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टच भी है क्या, सबसे पहली बात तो यह कि क्या टच हुआ, नहीं टच, बड़ा मुश्किल दिख रहा है, बहुत मुश्किल, चलिए डिफेंडर नॉट आउट है, उनके डिफेंडर ने पुरानी कमी को दूर कर लिया है और टाइम बचा नहीं है इतना, 1-2 सेकंड, औपचारिकता है पूरी, तो 14 का प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली 13 पॉइंट का लक्ष्य मिला है ओजे, डिफेंडिंग चैंपियन ओडिशा जगरनॉट्स को ये मैच जीतने के लिए 7 टच करने हैं आपको कम से कम अगली बारी, अगर वो मुकाबला जीते तो जाहिर सी बात है आपको बताएंगे सुनील के टैटू कहां से उन्होंने बनवाया, लेकिन अगर मुकाबला गया तो चीजें बदल जाएगी, रोमांच अपने चरम पे, स्काई डाइव दीपक साहू, लेकिन लैंड करते हुए उनका हाथ या पांव उस सेंटर लेन पे टकराया है,
फिलहाल दो डिफेंडर अंदर हैं, शुभाशीष सांतरा जो टीम के वजीर हैं, और साथ में अभिषेक। टच क्लेम किया गया है, शुभाशीष को बाहर जाना पड़ेगा। अच्छी शुरुआत ओजे की अपने अटैक में, तीसरा टच भी उनके हाथ में है। 2 मिनट के भीतर पहला मैच समेट दिया है ओडिशा जगरनॉट्स ने, और ये है रिव्यू। और ये डायरेक्शन वाली चीजें होती हैं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। टच तो किया है, चरण स्पर्श कर लिए, काफ मसल कितनी टाइट है वो भी पता कर लिया, पर क्या ये दाएं से बाएं आपने डायरेक्शन चेंज की, कंधे शरीर की दिशा उनके अनुसार बिल्कुल ठीक है। टच मिलेगा तो आपको जो 7 टच चाहिए थे 3 आपने ले लिए, और उसमें और परिस्थिति में मुश्किलात डालने के लिए पावर प्ले का इशारा आ चुका है। डबल ट्रबल है, 2 वजीर आपको यहां पे नजर आएंगे। ओमकार ने पिछली बार भी अच्छी दौड़ लगाई थी, क्या इस बार भी वही कार्य वो अपनी टीम के लिए कर सकते हैं, ये एक सवाल। दीपक साहू, वजीर के सामने आ पाएंगे तो आसानी से पार नहीं पाएंगे। स्काई डाइव रीच थी या नहीं, इशारा तो आउट का है, बाहर भेज दिया गया है डिफेंडर को, और सागर पोतदार की पारी इस मुकाबले में यह समाप्त हुई। साथ में आया रिव्यू, यहां टच किया गया है या नहीं रोहन शिंगाड़े की तरफ से। ओ, जर्सी की क्वालिटी पता कर ली प्रभु। महेश शिंदे बाहर, 3 मिनट का समय अभी भी बचा है। ओडिशा जगरनॉट्स हर बीतते पल के साथ अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पा रही है। मुंबई खिलाड़ी इसके डिफेंडर ऋषिकेश अपनी जद्दोजहद करते हुए, जान फूंकते हुए इस मुकाबले में नजर आए। 2.25 मिनट का खेल, लेकिन ड्रीम रन लगा लिया, और ड्रीम रन के तुरंत बाद दीपक साहू ने उन्हें शिकार बना लिया, 1 अंक मुंबई खिलाड़ी को। लेकिन क्या ये तीनों खिलाड़ी मैट के ऊपर रह सकते हैं 2 मिनट से ऊपर के खेल में? यदि रह जाते तो चीजें बदल जाती, लेकिन सूरत हाल ऋषिकेश के पक्ष में नहीं है, उनको बाहर आना पड़ेगा। 1.25 मिनट बाकी है, गजानन शेंगल और धीरज भावे को यही करना है, बस ये टाइम मैच पे बिता दीजिए, मैच आप हार गए हैं। जोर से थप्पा लगा है, ये स्काई डाइव नहीं, ये पूरे का पूरा पंजा छाप दिया है। एक तरफ आप रिप्ले में पिछला आउट देख रहे थे, तो दूसरी तरफ यहां एक्शन हो गया। मुंबई खिलाड़ी, ये लगातार तीसरा मैच है जो आप 2, 3, 4 के मार्जिन से हार रहे हैं, और अगर कहीं अंत में आप प्ले ऑफ ना जा पाए तो ये करीबी मैच बहुत आपको याद आएंगे। 1 पॉइंट मुंबई खिलाड़ी को मिला, पूरे 3 पॉइंट उड़ीसा जगरनॉट्स को मिले, और फिलहाल के लिए उन्हें पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन भी मिल गई है। प्रभु, उड़ीसा ने 16 पॉइंट लेके आराम से 3 पॉइंट के मार्जिन से ये मैच जीता है।